फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज हम अपने घर आए हैं। तो फ्रेंड आज हम अपने घर आए हैं और अभी रास्ते में हैं, बहुत परेशान हो गए। चलते चलते प्यास बहुत तेज़ लगी है। तो फ्रेंड हम अपने घर आ गए हैं। ये देखिए मेरा घर, ये देखिए। अभी ताला पड़ा है, ताला खोल रहे हैं। हम घर आ गए हैं, ये देखिए मेरा घर। भी अंदर चलते हैं। ये देखिए मेरा घर। देखिए कैसा लग रहा है आपको मेरा घर, ये देख सकते हैं। छप्पर तो सब टूट गया है, इसकी पन्नी जो थी वो भी उड़ गई है। बारिश होती है तो पानी सब अंदर ही आता है, क्योंकि हवा इतनी चलती है तेज कि पन्नी इस पे डलवाए थे, पन्नी उड़ ही गई, सब फट गई पन्नी। अब देखो बारिश का मौसम है, अभी बारिश होने वाली है। अभी बारिश होने लगेगी जब, तब इस पे फिर से पन्नी डलवाना पड़ेगा, क्योंकि पन्नी तो सारी की सारी फट गई है आंधी में। हवा इतनी तेज़ चलती है, आंधी आती है तो ये पन्नी, अब बारिश होगी तो इसमें फिर डलवाना पड़ेगा। आज हम अपने घर आए हैं, देखिए कितना गंदा मेरा घर पड़ा है। ये देखिए, देखिए कितना गंदा है। तो इसकी साफ सफाई कर लेते हैं। देखिए कितना गंदा पड़ा है घर मेरा। आज घर अपना साफ कर लें, चमाचम हो जाएगा आज। जहाँ हम लोग रहते नहीं हैं इसलिए इतना गंदा घर पड़ा है। और इस वक्त हम लोग लखनऊ में रहते हैं। और आप लोग पूछा करते हैं कमेंट करके कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो हम फतेहपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो हम कल आए थे गांव और इतना गंदा घर पड़ा है, तो हमने कहा साफ सफाई कर लें। देखिए कितना अच्छा मेरा घर है, आप सब लोग देख सकते हैं कितना प्यारा घर है हमारा। बहुत गर्दा उड़ रहा है, झाड़ू से बाहर है, उससे बन नहीं रहा है। कितनी मिट्टी है ये देखिए।
झाड़ू लग गया है, साफ सफाई हो गई है और अब हम लीपने जा रहे हैं अपना घर। अब लीपा पोती करने जा रहे हैं। तो बन नहीं रहा है। फ्रेंड ये देखिए घर लीप रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और वो कहावत क्या कहते हैं, लीपी पोती देरी पहनी ओढ़ी मेरी, वैसा ही होता है। मतलब लीपने के बाद कितना अच्छा लगता है और ऐसे घर पड़ा है तो कितना बेकार लग रहा है। तो फ्रेंड कितना गर्मी कितनी लग रही है, फिर भी काम कर रहे हैं जैसे आए हैं। अभी यहाँ इतना ये सारा लीपना है, उसके बाद में बाहर लीपना है। फ्रेंड घर की सफाई हो गई है, झाड़ू भी लग गया है और पोछा भी लग गया है। देखिए हमने घर को लीप दिया है तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारा गंदा पड़ा था मेरा घर, और यहाँ हम लोग रहते नहीं हैं, लखनऊ में किराए के मकान में रहते हैं और यहाँ कोई नहीं रहता है। जब से मम्मी पापा एक्सपायर हो गए तब से हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, किराए का मकान लिए हैं, वहीं पे रहते हैं। और फ्रेंड मैं अपनी फैमिली के बारे में आप सब लोगों को बता दूं, हम चार बहनें हैं, एक मेरा भाई है और कोई कमाने वाला तो है नहीं मेरे घर पे, मम्मी पापा नहीं हैं, तो सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है क्योंकि सबसे बड़े हम ही हैं और भाई मेरा अभी छोटा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना ही ब्लॉग वीडियो ही बनाए, क्योंकि आजकल ब्लॉग वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग बना भी रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ही ब्लॉग वीडियो ही बनाए, घर पे ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई नौकरी है हम लोगों के पास, ना तो कोई जॉब है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग वीडियो ही बनाए जो अपने भाई का सहारा बने, अपने बहनों का सहारा बने। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर कीजिए। तो फ्रेंड कल हम गांव आए थे, आप लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो आप सब लोगों को बता दूं मैं फतेहपुर के पास के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं मैं, और यहाँ कल आई थी घर, हम कल आए थे और ये मेरा घर है, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा घर है, आप सब लोग देख सकते हैं हम लोग यहीं रहते थे। देखिए आप सब लोग देख सकते हैं मेरा घर, क्योंकि जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं तो कितना मुश्किल है होता है जीना। किसी दूसरे की मम्मी पापा को देख लेते हैं तो आंसू आ जाते हैं आंखों में कि मेरे भी मम्मी पापा जिंदा होते तो आज हम लोगों पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती जो इतनी जिम्मेदारियां हो गई हैं।
तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आप सब लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, ताकि हम कुछ आगे बढ़ पाएँ और अपने अपनी बहनों का सहारा बने, अपने भाई का सहारा बने, जो कि कोई कमाने वाला है नहीं, अकेला मेरा भाई है, वो भी मम से छोटा है, सबसे बड़े मैं ही हूँ घर की। ओके फ्रेंड, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।